अरे रामू, क्या हिलर हुलर कर रहा है? इस कीमती मूर्ति पर एक खरोच भी आ गई तो साहब तुझे ठीक कर देंगे। उनका गुस्सा देखा है तूने? टोटल मत जाफरानी, मेरा नाम है। मेरे पान तक को कोई चुना नहीं लगा सकता, साईं मेरे को क्या लगाएगा? मेरे बाप ने पैसा वसूल करने के लिए लेनदार का दांत उखाड़ के उसमें से चांदी निकाल लिया था। अरे मैं तो दांत क्या पांच तक को जाऊंगा, मेरा $15,00,000 वसूल करके छोड़ूंगा। एक टका जलेबी डाल इधर डाल। तेरा सेठ क्या साउथ अफ्रीका का खबानी समझता है क्या? केप टाउन का किंग समझता है? अरे ऐसे किंग 3 छक्के पंजों को हमने तांस की पत्तों की तरह फेंट दिया है, समझता है बात करता है? मेरा पैसा पूरा वसूल करके छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं चलिया। मेरा नाम तोड़ल मल जाफरानी है। मेरे पान तक कोई चुना नहीं लगा सकता था। तेरा सेठ किधर गया? जी वो शिकार के लिए गए हैं। शिकार के लिए गया है? मेरा $15,00,000 हजम करके शिकार के लिए गया है? बिना मैं भी उसका शिकार करूंगा, उसकी खाल उखाड़ के डोरमेट बना के अपने जूते साफ करूंगा। पर क्या फायदा है, उसमें मेरा पैसा थोड़ी वसूलूंगा। ये सेठ किधर गया? जी होगा कोई $100-150 खाली ले जाओ। जी 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 $100 ना है सौ तो मिलेगा ऐसा कम से कम। ये मूर्ति इधर आते, ये मूर्ति कितने का? ये तो सेठ जी बहुत महंगी है, हमारे किसे में तो नहीं आएगा। नहीं अभी चाय लेके, हमारा मुंह क्या लेके चाय लेके जल्दी जल्दी। हे भगवान, अब क्या होगा? ओ माय गॉड, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कुछ भी हो जाए इस मूर्ति को हाथ मत लगाना। किसने किया ये? मैम मुझसे गलती हुई, मेरा धक्का लगा तो टूट गई, माफ कर दीजिए। $5,00,000 का एंटिक पीस है, इटली से लाए थे। वो आएंगे तो पूरा घर सर पे उठाने वाले। $5,00,000 का एंटिक घर में लाके रखा है, मेरा $15,00,000 खा के पड़ा पड़ा है। आप चुप रहिए। अरे क्या चुप रहिए, चुप हट। ठीक है घनश्याम जी, सब उठाओ जी। और चिपकाने के लिए आप उनके सामने चुप रहने का कितना लेंगे? $15,000 का अमाउंट है, जो भी देंगे आप अगर बोले काट लूंगा। अच्छा चिपका। सुमन जल्दी भाई, हमें इतनी भूख लगी कि हम दो चार शेर भी खा जाएं। आप लोग भाभी, आज तो शिकार में बहुत मजा आया, मरते मरते बची मैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसे शिकार पे मत ले जाया कीजिए। क्यों, कुछ खतरा हो गया तो? भाभी अरे मेरी तो ननंद भी यही है, बहन भी और सहेली भी। जा तू मुंह हाथ धो के। ओके। सुमन अरे वहां कौन है? अरे वो दिग्विजय सिंह जी आए थे क्या रजो को देखने? हाँ। उनके बारे में कुछ पता किया, कैसे लोग हैं? पता नहीं, मैंने वहां के कई दोस्तों को फोन करके पूछा कि मैं अपनी बहन की शादी दिग्विजय सिंह के बेटे से करना चाहता हूँ, तो सभी एक लफ्ज बोल रहे थे। क्या? बेचारा। अरे टोडरमल जी वहाँ क्या बैठे हैं आप? यहाँ आके बैठिए ना इस तरफ। हाँ आता है ना, डरता थोड़ी है। आई आता हूँ अभी। हाँ कमान टाइगर कमान कमान चलो। कहिए टोडरमल जी कैसे आना हुआ? जी वो ऐसा है, आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ है। आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे गुजर रहा था, बोला आपसे मिलता जाऊं। ये कुत्ते ने आपको बहुत परेशान किया है, आप आराम कीजिए, मैं तो चलता हूँ। ये कैसा आदमी है बाबा, बार बार बंदूक निकालता है। ए भगवान, इस शेर के लिए कोई सवा शेर भेज देना। मिस्टर हीरा। यस सर। हमने जिस साले जख्म का पता लगाने के लिए तुमसे कहा था सर, उसी के कसीनो में हम जा रहे हैं। वेरी गुड, तुम इस बैग के डालो गिनो, तब तक मैं सानिया को आजमाता हूँ। ओके सी यू। मैडम टेबल नंबर 8 पर एक कस्टमर $2,00,000 की बाजी लगाना चाहता है, अगर वो जीत गया तो पूरा कैसीनो बिक जाएगा। उसका बैग कैसा है? बहुत भारी है। ठीक है मैं आती हूँ। ओके मैडम।
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बोतल की तरह एक जाम की तरह। बोतल पिलाते पिलाते खाली हो जाती है और जाम पीते पीते लोग खाली हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है, बहुत घटिया बात कही है। हाँ तो हुजूर, हम खेल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे कसीनो की किस्मत में आप जैसे मेहमान हर रोज नहीं आते, इसलिए मैं कसीनो का कायदा तोड़कर आपको $2,00,000 की बाजी खेलने की इजाजत देती हूँ। वेरी स्वीट ऑफ यू। आओ, नाउ नंबर 3 इज माय लकी नंबर एंड नाउ स्टार्ट। या यो, आई डोंट नो। आप खिलाड़ी कम शिकारी ज्यादा लगते हो। सही फरमाया आपने, खेल हमारा शौक है और शिकार हमारी जिंदगी। शिकार में कभी कभी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है मिस्टर सिंघानिया। इसीलिए तो हम अपने दोस्तों से हमेशा कहते हैं कि अगर जान की फिक्र है तो शिकार खेलना ही नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघानिया, मेरी आवाज को क्या? मेरी नहीं। आई एम सो सॉरी। फॉर व्हाट? मैं आपके लिए लकी साबित नहीं रही। आप 5 मिनट में $5,00,000 हार गए। 5 मिनट में $5,00,000 नहीं, $25,00,000। अगर 5 मिनट बिजनेस कर लेते तो 20 लाख और कमाते। बाय द वे मिस्टर सिंघानिया, सपने देखती हो? कभी कभी। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हो तो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हो। और सुनो, दरवाजा सिर्फ बेडरूम का ही होना चाहिए। हेलो। तुम फूल लाई हो, एकदम तुम्हारी तरह महक रहे हैं। ये निशान कैसा? ये निशान नहीं, निशानी है। कहो कैसे आना हुआ? मेरे सपनों को हकीकत में बदलने। आओ 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 आओ। पता नहीं, कभी तुम पे बहुत प्यार आता है और कभी कभी डर लगता है। मेरी शक्ल इतनी खराब है। इसलिए जब भी कोई लड़की मेरे साथ हम बिस्तर होती है, मैं अपनी शक्ल रुमाल से ढक लेता हूँ। बेचारे का ब्लाउज। क्या कर रहे हो? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। काश मैं आपके बारे में ऐसा बोल सकती। तुम भी बोल सकती हो, मेरी तरह झूठ बोलना सीख लो। क्या इरादा है जनाब का? पार्टी देने का इरादा है। पार्टी? थैंक यू। तुम्हें नहीं, तुम्हारे यहाँ के पतियों को। पतियों को? मेरा मतलब है करोड़ों पतियों को। कितनों को जानती हो? सत्य प्रकाश यहाँ के बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट के। मिस्टर जॉनसन बहुत बड़े बिल्डर। मिस्टर इब्राहिम यहाँ के बहुत बड़े होटल है। और सबसे बड़े मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल यहाँ के बहुत बड़े मसाला के। सबको बुलाना और इसको तो जरूर बुलाना। Hello everybody. Hello. Hello. Hi, nice meeting you. Welcome. Sit down everybody. Miss Sania, yes? इन लोगों की खातिरदारी में अगर कोई भी कमी रह गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। No. मिस्टर सिंघानिया, आपने ये तो बताया नहीं कि आपने ये पार्टी किस खुशी में दी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे ये पता चला कि मेरे दादाजी पहले मसाले की बिजनेस में थे, तो मैंने भी ये फैसला किया कि मैं आगे से साउथ अफ्रीका के अंदर मसाले का ही बिजनेस करूंगा। तो अब हमारा ये फैसला है कि आगे से आप लोग सिर्फ हमसे मसाला खरीदेंगे और दुनिया की कोई भी पार्टी अब आप लोगों को मसाला बेच नहीं पाएगी। Is that clear? सिंघानिया,
आप हमें धमकी दे रहे हैं? समझते क्या अपने आपको? साउथ अफ्रीका का नया मसाला किंग। सीधी सी बात है, जो मसाला आप लोग साउथ अफ्रीका के अंदर 1000 रेंज में खरीद रहे, अब वो आपको 500 रेंज में मिला करेगा। जाहिर सी बात है, आप लोग मुझसे ही मसाला खरीदोगे। उसके पहले आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे मिस्टर सिंघानिया। वो क्यों? आधे दामों में मसाला बेचकर आपको हर साल कम से कम 200 करोड़ का घाटा होगा। इस रफ्तार से आप कब तक घाटा उठाते रहेंगे? हा? आप मेरे नुकसान की कम अपने फायदे की ज्यादा सोचिए। मिस्टर अमीन, हमने सुना है कि आप केप टाउन के मसाले के अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम केप टाउन की एजेंसी आपको देंगे। मुझे मंजूर है। वेरी नाइस। सो केप टाउन गोज टू मिस्टर अमीन। या केप टाउन इज योर्स एंड अर्बन गोज टू मिस्टर कासिम भाई। हेलो। अरे वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया है ना? कौन महेंद्र प्रताप सिंघानिया सर? जो साला इंडिया से आया हुआ है। हाँ सर। पता करो आप कहाँ है वो। क्या हुआ राजी, कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में आया था। हाँ? ये देखो, यह मेरी तस्वीर थी, वो गायब है। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आज कल लिख रहा हूँ। भाभी, उसने तो गजल भी लिखी है। तस्वीर? ओह माय गॉड। राजी, कोई चोर होता तो कीमती जेवरात ले जाता ना। याओ, कहीं तुम्हारा कोई आशिक तो नहीं जो तुम्हारी तस्वीर चुरा ले गया? ओ भाभी। हाँ? नहीं। डैनी, मैं बोल रहा हूँ, उसका फोन आया था क्या? किसका सर? महेंद्र सिंघानिया का। नहीं सर। कभी पार्टी के इनविटेशन, कभी फोन, ये है कौन जिसने आपको मुझसे छीन लिया है? Hey, mind your own business. Leave me alone. आपको अकेला छोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? आपके पास तो आपका बिजनेस है, आपका शिकार है, आपके दोस्त हैं जिनके फोन का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरे पास तो सिर्फ आप है ना। You know, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका शौक पूरा करने के लिए दुनिया के कोने कोने से खरीद के लाए हुई इन चीजों में से मैं भी एक हूं। बेजान, बेजुबान। Get lost! चलिए, बहुत हो गया। शुक्र है किसी बहाने आपने मुझे छुआ था, वरना तो मैं इसके लिए भी तरस गई थी। अरे ग्लास भरी आए पुट्टे, माल पानी मुआ तेरे को पैसा देके मरना है मेरे को क्या? भाई जाफरानी, गोजी में मेरा माल अटका पड़ा है यार, $1,00,000 दे दे मैं छुट्टा हो जाऊं। झूले लाल कसम से तेरे को दुआएं देगा दादा।
अरे विजेंद्र रावल की आम मेरा माल अटका पड़ा हुआ यार, ब्याज तो ब्याज, असल पूछता हूँ तो बंदूक दिखाता है चरिया। वो क्या समझता है हम पैसा उछलने करेगा, पेट फाड़ के निकालूंगा माल, पर क्या करे मेरा दिल है ना पागल है साला। कौन विजेंद्र सिंह बोल रहा है? विजेंद्र सिंह रावल। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं महेंद्र प्रताप सिंघानिया बोल रहा हूँ, बोलो क्या कर सकता हूँ। मेरे साथ शिकार पे चलोगे? शिकार को इतनी रात को? आदमखोर भी तो रात ही को निकलते हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने का अपना ही मजा होता है हुजूर। जिंदगी जिस चक्र में दस्तक दे, महेंद्र प्रताप के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। मैं जानता था आप जल्दी सोने वालों में से नहीं हो। हमने अपनी आंखों को इतनी आजादी नहीं दी जो वक्त पहले सो जाए। मैं आधे घंटे के अंदर आपके घर पहुंचता हूँ। ओके, मैं 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ओके, आई लव यू बेबी। आज भी जिगर वाले मालूम होते हो साई। ये ऐसे कैसे डांस कर रहे हो? ये कर्जा दे दे के ऐसा साई हालत हुआ हमारा। किसको कर्जा दिया था? ये विजेंद्र रावल को दिया हूँ यार मेरे भाई, $15,00,000 देखे बैठा पड़ा हूँ, निकलवा दो तो आधा तुम्हारा। चलो भाई। चलो ये काम मैं तुम्हारा फ्री कर दूंगा। अच्छा? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ कैसे। अरे का फिक्र नहीं करो, मेरे पास हथियार ये देखो, ये माना वना नहीं, खाली दिखा दियो। ये हथियार देखिए, तुमने मेरा शिकार का काम आसान कर दिया। करो भाई, माल मिल जाए तो उस पे छोड़ दियो ना। ओके मिस्टर जाफरानी। हाँ जी। आज से हम लोग दोनों दोस्त हैं, अब हम किसी ना किसी शक्ल सूरत में मिला करेंगे। एंड आई विल डू योर जॉब फ्री। ओके। हमारी बात सुना तो नहीं तुम? डांस किया, एंजॉय किया। तेरे को जरूरत क्या दूसरों की बातें सुनने को यार? मिस्टर सिंघानिया, मैं तुम्हारी आंखों को वो आजादी दूंगा ताकि वो वक्त से पहले सो जाए। ताइमा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जन्म और कहाँ, मैंने कितने बार कहा कि इसको ठीक करवाओ, उंगली भी ठीक से बैठती नहीं है। मिस्टर रावल, तुमने शिकार के लिए इतनी अच्छी जगह चुनी कि सारी रात कटने को आ गई मगर शिकार के लिए जानवर नजर नहीं आया। मिस्टर सिंघानिया, यहाँ के जानवरों से होशियार रहिएगा आप। हम जानवरों से नहीं, इंसानों से होशियार रहते हैं मिस्टर रावल। जी हाँ, खासतौर से तब जब आप उसकी जमीन पर हों। मतलब? उस दिन जो आपने पार्टी में बिजनेस का ऐलान किया था उसे भूल जाइए आप। क्या? मुझे साउथ अफ्रीका आए 15 साल हो गए, मैंने अपना ये धंधा ऐसे ही नहीं जमाया। आप क्या सोचते हैं कि मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा? इस गलत फहमी मत रहिएगा। अगर मैं ना कर दूं तो तू क्या कर लेगा बे? बहुत ऊंचा होने की कोशिश कर रहा था। जब भी कोई ऊंचा होने की कोशिश करता है उसे खत्म कर देता हूं। मिस्टर रावल, यार तुम आदमी बड़े मर्द लगते हो यार, आओ गले लग जाओ। Yeah.
ओम ओम नहीं हरिओम। बैजा गंदे खून बैजा बैजा गंदे खून बैजा भागता गाय हरिओम 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 हरिओम। भैया भैया कहाँ जा रहे हो? जन्नू मार कहाँ? पुष्टतयो आत्मनंदा सस्तिते भवनित तस्य नामः। मृत आत्मा के शांति के लिए आप लोगों में अपने साथी के लिए कुछ कहना है तो यहाँ आके कह लीजिए। मेरा नाम ओम श्रीवास्तव है। विजयेंद्र सिंह जी की शादी हमारे गांव में हुई थी, उस नाते से आप मुझे इनका रिश्तेदार भी समझ सकते हैं। मैं अपने किसी काम के सिलसिले में यहां आया था तो अचानक अखबार में मैंने इस बुरे हादसे की खबर पढ़ी। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरे आंसू नहीं निकले। तब मुझे एक श्लोक याद आया, सुख संतु निर्माया भवंतिता सर्व सुख भवंतिता आयु सर्वम पवंतिता। इस श्लोक का ताल्लुक एक कहानी से है। एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को लेकर जंगल से गुजर रही थी। इतने में अचानक एक सांप ने उसके बेटे को डस दिया। बेटा मर गया। माँ रो रही थी। एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। माँ ने क्रोध में आकर शिकारी से कहा कि मार डाल इस सांप को, इसने मेरे बेटे को डस लिया। तब सांप ने हाथ जोड़कर मां से कहा कि हे मां, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यह सब तो मैंने महाकाल की आज्ञा से किया। मां ने महाकाल को ललकारा। अंत में महाकाल मां को बोले कि हे मां, इसमें मेरा भी कोई अपराध नहीं, यह सब तेरे बेटे के पिछले कर्मों का फल था। उसे इतने ही दिन तेरा संग साथ और तेरी ममता का आंचल मिलना था, अर्थात उसका समय पूरा हो गया था। हमारे विजेंद्र सिंह जी का भी समय पूरा हो गया था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विजेंद्र सिंह जी की आत्मा को शांति दे।
हमारी ये हमदर्दी किसी के घाव तो नहीं भर सकती, मगर उसे ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न सर्वाध्याय पुष्मय सुमन, ये क्या बेटी, तू ही इस तरह टूट जाएगी तो घर को कौन संभालेगा? अभी तो रज्जू का ब्याह करना है तूने। चल आंसू पोंछ और नीचे चल, वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। चल चल आ जा। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? आज 4 दिन हो गए मेरे भाई की मौत को और आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं? अगर आपसे नहीं होता तो आप साफ साफ कहिए, मैं इंडियन एम्बेसी से मदद लूंगी, विदेशों से एक्सपर्ट बुलवाऊंगी, जमीन आसमान एक कर लूंगी, मगर अपने भाई की मौत की वजह पता करा कर ही रहूंगी। हमें तो सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है कि उनको किसी जंगली जानवर ने मार डाला हो। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि उस रात फोन पे सिंघानिया से बात हुई थी और उसी के साथ शिकार पे गए थे, कोई और था उनके साथ। जरूर उनका कत्ल हुआ है, उन्हें मार डाला गया है, उन्हें मार डाला गया है, मार डाला गया है। लेकिन मिसेस रावल, जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिल जाता तो हम कैसे मान लें कि कत्ल हुआ है? कोशिश करेंगे तो सुराग मिलेगा ना। जब ये कह रही है कि इनको शक है कि इनके पति का कत्ल हुआ है, तो आप इस केस की उसी तरह से तहकीकात कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और सुराग चलकर आपके सामने आ जाएंगे, तब तो हो चुकी तहकीकात। मैं तो कहता हूं कि कातिल आपके सामने भी खड़ा रहेगा, तब भी आप सुराग सुराग का भजन गाते रहेंगे। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग पर्सनल, बट देयर इज अ लिमिट। साईं जाफरानी, नमस्ते। कैसा आदमी है यार, घर में मौत हुई है, मेरे 15 लाख डूबे पड़े, तो हंसता है यार, तेरी आदमी है यार। साईं जाफरानी, 15 नहीं 17। 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कल ही जो डेंजर आदमी को आपने धमकी देने का बोला, रात को रावल मर गया। चुप कर, तेरा गोदी में लाख डॉलर भरना है ना, मैं भर दूंगा, पर आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। अब गोदी का 1 लाख नहीं 2 लाख हो गया है। क्या बोलता है, जरा जोर से बोले यार। अरे खंजर पे तेरा, अंदर चौथा चल रहा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, जरा भी बनक पड़े तो मेरा चौथा निकलेगा यार, कैसा आदमी है यार। साईं, हम दो हमारे दो आराम लेने। Excuse me, is Mrs. Singhania there? No, go away, he's not here, go. देखिए, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है. It's very important that I meet him. Go. Please try and understand. Go away, he's not here, no. Go away, he's no more here. He's not here, go away, I said go away. Go.
कैसीनो सानिया और जेकब। Where is Diamond Casino? That side. Thank you. Welcome. Excuse me, राजेश्वरी जी। अरे अच्छा होगा आपसे यही मुलाकात होगी। मैं आप ही कहने जा रहा था, उस दिन विजेंद्र सिंह जी सिंघालिया के साथ शिकार पर गए थे ना, जिस रात को उनका खून हो गया था, उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, और जिस लड़की ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मुझे उसका नाम और नंबर मिल गया है। अब आपके भाई के कातिल को कोई नहीं बचा सकता। क्या नाम है उसका? सानिया, यहीं पर कैसीनो चलाती है। उसका नाम आपको कैसे पता चला? मैं रोज होटल गया था जहाँ पर पार्टी दी गई थी, वहाँ के मैनेजर और वेटर से मैंने पता लगाया कि पार्टी में कौन कौन लोग आए थे। जब उन लोगों के बारे में मैंने तहकीकात करके पता लगाया तो उन सबकी जबान पर एक ही नाम था, सानिया जेकब। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपना काम छोड़कर हमारे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे। अनजान शहर में अकेलेपन से बहुत डर लग रहा था मुझे, सहारे के लिए आपके यहाँ चला आया था। जो मुझे समझ सकता था वो तो इस दुनिया से ही चला गया। अच्छा चलता हूँ। I'm sorry, चले सानिया के यहाँ। जी नहीं, प्लीज आप चलिए। प्लीज चलिए। कमिंग। ये क्या बदतमीजी है? हेलो, देखिए डरिए मत, हम महेंद्र प्रताप सिंघानिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मैं किसी सिंघानिया को नहीं जानती। विल यू प्लीज गेट आउट। वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसके लिए पिछले 27 तारीख को तुमने पार्टी अरेंज की थी और विजेंद्र रावल को तुमने पार्टी में बुलवाया था। मैं किसी विजेंद्र रावल को नहीं जानती और किसी पार्टी के बारे में नहीं जानती। अच्छा? विजेंद्र रावल का खून हुआ है और वो मेरे भाई थे। बताओ क्या जानती हूँ उस खूनी के बारे में। What the hell you think I am? चेहरा कैसा था उसका? ऐसा था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा था। हाँ ऐसा था। नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा था। बाल कैसे थे? ऐसे ऐसे। और उसकी आंखें कैसी थी? आंखें कैसी थी? काली या भूरी? आंखें कैसी थी उसकी? काली या भूरी? कहीं ऐसी तो नहीं थी? ठीक से देखो, ऐसी भूरी तो नहीं थी? भूरी थी। हाँ। आगे बढ़ो राजेश। और नाक कैसी थी? ऐसी या ऐसी? ऐसी थी। दाढ़ी या मूंछ थी? दाढ़ी कैसी थी? हाँ? ऐसी नहीं। ऐसी नहीं, नहीं। ऐसी थी? नहीं नहीं। हाँ तो फिर कैसी थी? ऐसी कैसी? ऐसी ये तो वही आदमी है। ये उस आदमी का कंप्यूटर पिक्चर है जो उस रात मेरे भाई के साथ शिकार पर गया था। इसका नाम सिंघानिया है और विजेंद्र सिंह रावल जी की मौत के पीछे इसका हाथ जरूर है सर। आप फिक्र न करें, अगर ये शख्स केप टाउन में है तो 7 दिन के अंदर अंदर ये हमारी हिरासत में होगा। You done it. Thank you, Inspector. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much, yeah?
बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, 15 दिन के ऊपर हो चुके हैं, अभी तक सिंघानिया का कुछ पता नहीं चला, ये क्या हो रहा है? What is happening? मिस राजेश्वरी, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जरा धीरे से काम लीजिए। अरे राजी, ऐसा क्या काम कर रही है कंप्यूटर पे जो रात भर सोई नहीं? ले दूध पी ले। रख दो ना दाई माँ। किसकी तस्वीर देख रही है तू? हाँ ठहर ठहर, अपना ओम है ना, जब वो बुढ़ा जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, अंगूर से किशमिश बनते बहुतों को देखा। दूध पी ले ना। मगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये खुदकुशी थी? कॉन्फिडेंस? हमने तहकीकात की है, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस, और हमें ये भी पता चला है कि मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल और उनकी बीवी के बीच काफी अनबन थी। बल्कि हमें ये भी पता चला, जिस रात उनकी मौत हुई वो अपनी बीवी से झगड़ा करके घर से निकले थे। मुमकिन है इसी वजह से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। देखिए, अगर आप लोगों ने सीधी तरह से इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए तो कंपनी से पैसे निकलवाने के दो ही रास्ते हैं मेरे पास। अच्छा? कौन कौन से? या तो मैं कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, या फिर अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे, ये लीजिए पकड़िए, मुझे मार दीजिए, कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे इंश्योरेंस के पैसे तो इस बेचारी को मिल जाएंगे, मेरा तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं। क्या क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए क्या? देखिए, आप लोगों को पैसा नहीं देना है, मत दीजिए। अरे पर हमने सोचा था कि पैसे आ जाएंगे तो लेनदारों के खर्चे चुका देंगे, पर ठीक है, मुझे वो अपमान मंजूर है, लेकिन आप मेरे ही घर में आके मेरे ही लोगों का अपमान करेंगे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जाइए आप, जाइए आप, प्लीज जाइए, मैं दवाई लाती हूँ। हेलो, सुनिए, वहाँ इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर हैरी आए होंगे, उनसे कहिए कि उनके कंपनी मैनेजर मिस्टर टोनी उनसे बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपका फोन है। हेलो, कैसा चल रहा है? बाकी तो सब ठीक चल रहा है सर, लेकिन उनका एक हमदर्द है यहाँ जो कि कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। नो 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 नो, उससे हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे कहो कि कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं, उनके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सर, कत्ल का सबूत तो? डोंट वरी, सुबह ही हमारे ऑफिस में किसी ने इसका सबूत भेज दिया है। देखिए, आपका दवा मंजूर हो गया है, बस 2-4 दिन में आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सुनिए, हाँ, लगता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे भी अपना इंश्योरेंस करवाना है, मैं कब आऊं? ये सब एयरलाइंस के पैसेंजर्स की लिस्ट है पिछले एक महीने की। केप टाउन में जितने भी पैसेंजर्स आए और जितने भी पैसेंजर्स गए, उन सब के नाम और डेस्टिनेशन इसमें है। आपका चेक। आप नहीं होते तो ये इंश्योरेंस का चेक हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी ही अच्छी है, मैंने तो उनको सिर्फ फोन पर पूछा था कब आऊं,
तो कहने लगे कि नहीं 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 आपके आने की जरूरत ही नहीं है, चेक अब तक पहुंच जाएगा। और देखिए चेक पहुंच गया। अच्छा चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाइए ना। मुझे तो बस एक ही बात की जल्दी है राजेश्वरी जी, विजेंद्र सिंह जी के कातिल का पता लगाने की। लीजिए इंस्पेक्टर साहब आ गए, लगता है आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, कहिए कुछ पता चला कि वो कातिल कौन है? हाँ, आपको ये जानकर खुशी होगी मिस्टर ओम कि हमारे हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। हम जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? अभी गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पूछता हूँ आप लोग उसको गिरफ्तार करते क्यों नहीं है? पहले हथकड़ी तो निकाल लूं। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंह घानिया, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ वजेंद्र सिंह रावत। आपके पास सबूत तो होगा? सबूत मेरे पास है, हा? और मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया है। रजत तुमने? हाँ भाभी, मिस्टर ओम ही महेंद्र प्रताप सिंह घानिया है जिन्होंने मेरे भाई और आपके पति को बेरहमी से गला घोटकर मार डाला। ये रहा सबूत, लीजिए पढ़िए। ये एयरपोर्ट के आने और जाने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड है। पिछले 2 महीनों से किसी भी फ्लाइट से न महेंद्र प्रताप सिंघानिया शहर से गया या ओम श्रीवास्तव शहर में आया। यही है महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसकी पुलिस को तलाश है। दिस इज द मैन, दिस इज हिम, ही इज द गाय। देखिए मिस राजेश्वरी जी, आप जासूस तो बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी अच्छा इंसान बनने में आपका कुछ और वक्त बाकी है। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंघानी आया, जो कुछ भी नाम बता रही हैं आप, भले उनके केपटाउन से जाने का कोई रिकॉर्ड ना हो, मगर ओम श्रीवास्तव के केपटाउन में आने का रिकॉर्ड जरूर है, और वो आपको केपटाउन एयरपोर्ट पर नहीं बंदरगाह पर मिलेगा, क्योंकि मैं यहां पर हवाई जहाज से नहीं पानी के जहाज से आया था। क्या है कि मिट्टी का आदमी हूं ना, ज्यादा हवा में उड़ने से डर लगता है मुझे, और उसका सबूत है ये टिकट जहाज की। I'm sorry, Mr. Om. It's okay, sir. हमने बेवजह आप पर शक किया। It's okay, it's okay, sir. Miss Rawal, आपने तो मेरी वर्दी ही उतरवा देनी थी। Thank you very much. Thank you. आइए। प्रणाम ओम जी। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम। विजेंद्र सिंह रावल की आत्मा की शांति के लिए आपने 100 नाथ बच्चों को भोजन करवाने के लिए जो पैसा भिजवाया था उससे सारा भोजन का सामान लेके आया हूँ। जी, मिशनरी के पादरी भी अनाथालय से बच्चों को ले आए। ठीक है पंडित जी, देखिए मंदिर और पूजा का सारा सामान वहीं पे, भोग वहीं पे लगा दीजिएगा। रामू जी, जगह साफ रखना, बच्चों को खाना वहीं पे खिला। जी सर। और हाँ, 150 बच्चे ज्यादा भी हो गए ना तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिलहाल ये रख लीजिए। प्रणाम। आइए पंडित जी। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते राजेश्वरी जी। मांगने आई हूँ, तुमने ठीक कहा था, मुझे अच्छा इंसान बनने में बहुत वक्त है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो,
I'm sorry. जो सजा देना चाहते हो दो, मगर इस तरह चुप मत रहो। मैं जिंदगी भर ये बोझ उठाकर नहीं जी पाऊंगी। ओ मुझसे बात करो, ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो। राजी मेरा बैग दो। राजी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं दूंगी। राजी मेरा बैग दो। राजी क्या तलाश में मैं पागल हो गई थी, तुम ही हो जिसने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा नकाब उतर चुका है ओम श्रीवास्तव, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ नाटक करते रहे। तुम्हारे इरादे साफ हो चुके हैं, अब मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू ओम श्रीवास्तव, आई विल एक्सपोज यू। कोई है? क्या कर रही हो? भागा हुआ चोर मिल गया राजी। चोर? कौन चोर? तुम्हारे भाई का कातिल। क्या तुम सिंघानिया का पता? Excuse me. Okay. हर चीज की कीमत होती है, थप्पड़ के कुछ ज्यादा ही 5 लाख। कल तुम ठीक 9:30 बजे डायमंड कैसीनो आ जाना। Alright. मगर अकेले, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके okay? ओम को भी नहीं। क्या नहीं, क्या हुआ? हाय ओम। हाय। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बाय। अरे भाई दाप रानी, इतनी देर से किसको फोन कराया मार रहा है? अरे यार वो डायमंड कैसीनो वाली सानिया है ना, 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है। चली किधर की? फोन उठाती नहीं है साली। उठा कर डाला यार। अरे तूने मेरे को इधर 2 लाख लेने के वास्ते बुलाया बाबा। क्या था 2 लाख यार? अरे खंजर के 2 लाख। भाई साहब वो यार बता भी नहीं समझता है, मुंह से बात किया करना कभी कभी यार। लो लग गया। हेलो हेलो, क्यों रही चिकनी? मेरे पैसे का क्या हुआ? अच्छा पैसा हैं? लेने के टाइम पे ला 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 ला, देने के टाइम पे मुंह काला। अरे तू जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। मेरा पैसा जो सुन मेरी बात, जो मेरा पैसा खाता है ना वो दुनिया से उठ जाता है। क्या बोली जाफरानी? अंग्रेजी में गाली देती है साली। ओ। जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। टेकी जो फोन यार, बर्बाद करके रख दूंगा उसको मैं। ये पी प्यारा पी, मुफ्त जो पी, परमन जो खोए का पी। क्या नहीं तुम है ड्रिंक प्लेस? देखो एक और लुखा आ गया। हे हम लुखा नहीं, हम गुंडा। अरे हम गुंडों की कदर करते हैं भाई। अरे ड्रिंक की क्या बात करते हो, ड्रंक हो जाता है। थैंक यू यार। अरे जिंदगी में माल वाल कमाना है कि नहीं? क्यों किसी का मर्डर करना है? बाबा डायमंड कैसीनो में सानिया लड़की है ना, मेरा 5 लाख डॉलर खा के बैठी बड़ी है यार। निकलवा तो आधा तुम्हारा।
सानिया मेरा भी दुश्मन है, I'll do your job free. ए शबाज, लेकिन हम सोचता है हम उसका मर्डर करें कैसे? अरे उसकी फिक्र तुम नहीं करो, ये भाई देखो ये वाल्वरी मैं मारो वाले ही खाली दिखाओ भाई, मारो वालो नहीं है, इसे भी काम नहीं चले, देखो सही ये हथकरी साली को पिना के मेरे सामने ले आओ, ठीक है ये मेरा कार्ड है साई. Okay, I'll do your job free, Mr. Jafrani. Okay, see you. Chill out. अरे यार मेरा नाम दांदा यार है. लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार, मानना पड़ेगा. अब ये सानिया बुलाएगा ना, देख मैं कैसे पैसे निकालता हूँ. पानी में गोते खिला खिला के पैसा निकालूंगा अभी यार. अच्छी है यार. पैसे लाई हो? लाई हूँ, लेकिन पहले कातिल का नाम बताओ. पहले पैसे, इसकी क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके सही नाम बताओगी? ओके की ओके. इधर आओ. यू वांट द बैग राइट? ये लो बिहेव. प्लीज बिहेव. कातिल का नाम बताओ. लेट मी द किलर सेड. बिहेव बिहेव योरसेल्फ. इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी. चमजे अभी तक. आई एम सॉरी. Tell me the killer's name. Kapil ka naam bata. Tell me. Tell me. Sania! Sania! Oh my God! Sania! 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 I'm sorry, sir. Pick it up. Come on. I'm very sorry. I said, pick it up. Come sorry, on. Sir. Come on, faster. I said, I'm sorry. Come on. Pick it up. Hey, pick it up. Hey, pick it up. Come on, pick it up. Sorry, sir.
Please forgive me, sir. I said sorry. You're such a huge man. Say something. Sorry, sir. Forgive me. Forgive me, sir. Yeah, please forgive me. I'm sorry. Into your hands we commend our sister Sania Jacob. We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day. We thank you for all the blessings you gave her in his life, to show your fatherly care for all of us, and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Since Almighty God has called our sister Sania Jacob from this life to himself, we commend our body to the earth from which you have made. Was the first to raise us from the dead. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou. Saffron. अरे किधर था तुम यार, वही सोता है जगह किधर है? देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है, आदमी मरता है अपनी हरकतों से। मैं तो बोलता हूँ जो करेगा ना वो भरेगा इधर। वही तो मैं कह रहा हूँ जाफरानी, कि आपने भरा उस बिचारी ने आपकी हद कर। चुप, कितना चाहिए बोल रहे? 5 लाख। पांच? इंस्पेक्टर साहब, दिस इज रिडिकुलस। सानिया को विजेंद्र सिंह रावल के कातिल के बारे में पता लग गया था और उसी का कत्ल हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल अभी तक शहर में है और उससे राजेश्वरी की जान को खतरा है। अगर आप चाहें तो हम राजेश्वरी जी को पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बाहर के खतरे से तो आप मुझे बचा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट माय ब्रेन? एक पल के लिए भी मैं उस खूनी को भूल नहीं सकती। ऐसे लगता है कि वो मेरे सांसों में बस गया है, लेकिन मैं इस घुटन को अपने चेहरे पर नहीं ला सकती, क्योंकि अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो वो दम तोड़ देगी। तब वो खाती है, तब वो पीती है, लोगों के ताने सुन सुन कर ऐसी हो गई है जैसे जिंदा लाश हो। कंट्रोल। चलो, कम ऑन, आई एम लीविंग। रज्जो, अर्जुन सिंह जी। नमस्कार। आप कब आए? आज ही। रज्जो कहाँ है? वो जरा बाहर गई है, बस आती होगी। सुमन बेटी, बहू, ये देखो विजेंद्र के चाचा जी आए हैं। जीती रहो बहू, जीती रहो। हम बहुत शर्मिंदा है कि विजेंद्र कृषात पर ना आ सके, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतों में फंस गए थे कि निकल ही नहीं पाए। जो होनी थी वो हो गई। आप दोनों बातचीत करिए, मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। चाचू।
मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। अच्छा चाचू, वो आपके कैदी जो भाग गया था उसका क्या हुआ? उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन हाथ नहीं लगा। अर्जुन सिंह की वर्दी पर बस यही एक बदनुमा दाग लग गया रज्जू। पुलिस डिपार्टमेंट को यह शक है कि हमने भागने में उसकी मदद की, इसीलिए हमें नौकरी सस्पेंड कर दिया गया। अब हम यहां की जायदाद बेचकर हिंदुस्तान में बस जाएंगे, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि अर्जुन सिंह इल्जाम के डर से भाग निकला। अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे, ताकि एक पुलिस ऑफिसर की 35 साल की वफादारी पर लगा हुआ ये जो कलंक है ना, खुल जाए। खैर बेटी, अब मैं चलता हूँ, बहुत से काम करने हैं, वकीलों से भी मिलना है। मैं कागजात लेके आती हूँ। चाय लीजिए। जी चाचू। आप तो जानते ही हैं भाभी कितनी टूट चुकी है। उनका दिल बहलाने के लिए कल उनके जन्मदिन पर मैंने एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम किया है, आप जरूर आइएगा, सबका दिल बहल जाएगा। बेटी जरूर आएंगे। दिल तोड़कर भागा था, मुझे उसकी तस्वीरें चाहिए इमीडिएटली। ओके साफरानी सेठ। अरे साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा मिलियनर, इतना बड़ा सेठ, सड़क पे खड़ा है बाबा, मेरा भी कचरा होता है, सोचो। तुम्हारा कचरा किधर से होता है यार? तुम जैसे लुखों की वजह से तो मैं सड़क पे आया हूँ। बात करते हो, तुम्हारा कचरा होता तो पैसा दिया और चलो। दाफरानी सेठ, गोदी में मेरा माल आके पड़ा हुआ है 5 लाख। तुम पकड़ पैसे की बात नहीं कर, मैं कर्जे का धंधा बंद करके बैठा पड़ा हूँ। जो दिया पैसा मेरे को मिल जाए ना, तो साउथ अफ्रीका छोड़ के इंडिया चला जाऊंगा, झूले लाल का भजन करके जिंदगी पूरा गुजारूंगा, समझा? ये विजेंद्र के चाचा इंडिया से आया हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, पैसा हमारा देते नहीं है। 6 बजे से खड़ा पड़ा हूँ इधर। अरे उतर भाई, ये देखो आया, देखो मोबाइल में घुसा पड़ा है। हाँ, मुझे कुछ डिटेल्स तो मिले हैं, लेकिन जब तक मुझे सारे सबूत नहीं मिलते तब तक मैं उसके गिरेबा पे हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़का हमारे घर वालों से काफी घुल मिल गया है। I'll get some more proofs and get him, okay? Bye. अरे भाई, वो तो वो विजेंद्र रावल का चाचा है ना। हाँ तो? अरे बाबा, मेरा पैसा लिया हुआ था, उसका मैंने पैसा पूछा तो कुत्ते को मार दिया और खुद भी मर गया। ना उसके घर में उसकी बीवी सुनती है, ना बहन सुनती है, कैसे कमीने लोग हैं यार। अबे एक छापड़ मारूंगा ना तो 32 सड़क पे गिर जाएगी तेरी। अरे यार, ये तो चाय से ज्यादा केतली गड़े में यार। अरे तुमने उसका प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किया है ना। हाँ तो क्या? तो मेरा पैसा सूद के साथ दियो, वरना देखो बोलता हूँ मैं। वरना क्या? धमकी देता है मुझे, धमकी देता है क्या? मुझे कुछ बोलना है? नहीं 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 नहीं, ब्लडी शिट। बोली जाफरान, ये आदमी सच बता रहा हूँ, आपका पैसा नहीं देगा। ये क्या नहीं देगा? इसका बाप भी देगा, बाप भी। इसका डेड बॉडी भी लाके मेरे दरवाजे पे पैसा देगा। बात करता है, इसके पैसे से तुमको कहें कैसे यार? बात करता है। जेलर साहब, बहू तो बाहर गई है। ठीक है, जैसे सुमन आ जाती है उसे कहिएगा कि मुझे मेरे होटल पे फोन करे, जरूरी काम है। थैंक यू।
हेलो। हाँ अंकल, आपने फोन करने के लिए कहा था। हाँ बहू, मैंने तुम्हें कैदी के बारे में कहा था ना। हाँ? हाँ, वो इंडिया में गिरफ्तार हो गया। मैं आज रात की फ्लाइट से इंडिया जा रहा हूँ। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं, वो अस्थमा अस्थमा का अटैक आ गया। पहुँचते फोन करूँगा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ मैं ख्याल रखूंगा। Something serious. Uncle! Uncle! My uncle! 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 आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते! Uncle! 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 आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते! तुम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते! Uncle! Uncle! You cannot leave me like that! Uncle! आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते! Uncle! Get up, uncle! Uncle, get up! Uncle! Uncle, you cannot leave me like that, uncle! 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 Get up, uncle! Uncle! He's not breathing! What He's happened? Not breathing! What's the matter? Tell me, what's the matter? Get the ambulance, please! Get the ambulance, please! My uncle is dying! Get the ambulance, please! Get the ambulance, please! Can't you see my uncle is dying, huh? Come on, hurry up! Uncle! Ambulance, hurry, uncle! Uncle, don't leave me! Don't leave me, uncle! मैं मर जाऊंगा अंकल। अंकल गेट अप। I'm sorry, he's dead. No, he cannot die like that. अंकल, मैं बच गया। I don't need any ambulance now. Oh!
सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है। सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है। मैं तेरे को कुछ नहीं बोलता हूँ। जिसने तेरे को इधर का पता बताया ना, उसको गोली से उड़ा दूंगा। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। तेरे से बचने के लिए मैं जंगल के फार्म हाउस में आके बैठा पड़ा हूँ। तू इधर भी आ गया और बैठे बैठे मेरा 5 किलो काजू खा गया तू यार। अच्छा वह बदाम नहीं रखा, बात मार दिए। पोकेशन हो गया यार, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बिना चलिया लक जाना था। अरे बाप रे! अरे भाई जाफरानी, ये तो अर्जुन सिंह आपका दुश्मन मरा पड़ा है। मैंने मारा है क्या? अरे नहीं बाबा, उसका डेड बॉडी तो आपके घर में पड़ा है। तो क्या करूं? अब ये आपको 10 लाख तो मेरे को देना पड़ेगा। अच्छा देता हूँ। आहिस्ता बोल यार, तो आजू बाजू से भी कर्जा मांगने आया करेंगे यार तू। यार देखो आ गया। अरे मैं लुकाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। कर्जा वर्जा देना बंद किया। चलो आलो बाजू में जाओ। पुलिस, ओपन द डोर। पुलिस किधर से आ गया यार? पुलिस इधर हाथ लगा यार। मैं जा रहा हूं। डेड बॉडी को हाथ लगाने का 10 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा। कैसा आदमी है यार, दे दूंगा। चलो अभी उठा ले यार, हाथ लगा। अरे लाल, कैसा मूर्त निकला था जब ये कर्जे का धंधा मैंने शुरू किया था। बाप ने मरते वक्त बोला था स्मगलिंग छोड़ के कर्जे का धंधा नहीं करो। कर्जे का धंधा करके मैं फंस गया हूँ यार। आइए इंस्पेक्टर साहब। देखिए मिस्टर जाफरानी, डायमंड कैसीनो वाली सानिया का जो कत्ल हुआ है, हमें पता चला है कि आपने उसे कुछ कर्जा दिया था। हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अरे उसी हांखोर ने तो मेरा पैसा डुबाया है। Who is he? ये मेरे अंकल हैं, इंडिया से आए हैं, कर्नल जाफरानी। वार में से आए ना, जंग में से लड़के, तब से खुद से बड़बड़ाते हैं। डिस्टर्ब है। खैर, सानिया को जो पैसा दिया है वो वापस मिल सकता है क्या? अगर आपने सानिया को कुछ पैसा दिया है तो आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उसे फोन पर किसी ने पैसा ना लौटाने के लिए मारने की धमकी दी थी। मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा मैंने नहीं दिया है। हमें एरिया के लिए पूछता है, जितने भी दिया होगा गरीब, मर गया तो पैसा जाता है ने? आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया ना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। अच्छा जी, क्या मैं अंकल से बात कर सकता हूँ? अंकल से? अंकल डिस्टर्ब है थोड़ा, मेंटली। इंडिया से आए हैं ना? अच्छा, पूछता हूँ मैं। अरे यार, ये चरिया मुर्दे से बात करना चाहता है, क्या करे यार? पागल, भगा उसको। चरिया मेहरबानी करता है, साला मारता है, लाखों लेता ऊपर से मारता है। आज सामान है लुका। ओके अंकल, जीते रहो। देखा डिस्टर्ब है ने? थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आप बात करना चाहे तो। नहीं, रहने दीजिए, रिलैक्स कर रहे हैं ना। मैं फिर कभी आऊंगा। भले नेक्स्ट वीक आओ घर पर। ओके बाय अंकल। पहले सिगरेट तो निकाले। अरे छोड़ हाथ, बड़ा पेपर पड़ता है सारा, छोड़। क्या भाई? दादा, आप अपनी शक्ल को और क्यों खराब कर रहे हो? अरे जब और टाइम खराब आता है तो शक्ल अकल सब खराब होती है। चरिया घर में 7 फीट का लाश पड़ी हुई है, उसको ठिकाने लगाने के लिए सब लगा रहा हूँ, ताकि लोग मुझे पहचाने नहीं। समझा? बात करता है दादा। हाँ, आप चतुरी नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हो। चुप, घर चला चला के और कितना माल खाएगा? अरे लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच चरिया, लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच। अरे भाई जाफरानी, इस पार्क में आने का मतलब मेरे को समझाओ। ये बाजू में तालाब देखा है ना? हाँ। 1 घंटे बाद अंधेरा होएगा, ये जितने घूम रहे हैं ना चले जाएंगे। पीछे के डिक्की में से डेड बॉडी निकाल के तालाब में डाल दियो, किसा खत्म। अरे भाई जाफरानी, तालाब का अंदर मगरमच्छ है। तो हमारा क्या नुकसान है? मगरमच्छ का राशन टू मच हो जाएगा, थैंक्स बोलेंगे मगरमच्छ। समझा कर,
तुलड़ी बैठा रहे, मैं जरा घूम के आता हूँ। अरे अरे पर तू अभी कहाँ जा रहा बाबा? अरे बाबा बाहर अच्छे अच्छी लड़के आए यार, सब जाकर यार, मेरे को कौन पहचानता है, तुम बैठे रहो। ओके साले ये लड़कियां अकेली आके नहीं बैठती, साथ में कोई ना कोई रहता है, यही देख रही यार। हेलो अरे जानती जैसा रंग है मेरा सोने जैसे बाल, एक तो हूँ धनवान रे बाकी सब है तो कंगाल रे झूलेलाल, सब तो है कंगाल रे बाबा सही। हेलो यार ज़ाफ़रानी तो मर गया, यानी मुझे एक नहीं दो दो बॉडी। Why am I talking like a Sindhi, y'all? Zafru! जाफरानी सब लोग तुझे देख रहे हैं यार। लगता है मेरी शक्ल किसी हॉलीवुड के स्टार से मिलती जुलती है। यार तेरी शक्ल वो डिस्को वाले से मिलती है। कौन है? वो जिसको तूने रावल को मारने की सुपारी दिया था यार। क्या बात करता है यार? देख समझ जाएगा। यार मैं खुद चिपका कर आ रहा हूँ यार, तभी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। बाप रे मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है यार? माल पानी मेरे को जैसे निकालने का कुछ सोच यार, निकाल यार कुछ सोच यार। यार जाफरानी लड़की बड़ी अच्छी है। अरे यार तेरे सजा दुनिया में कोई नहीं है यार, मेरे को इधर से निकाल यार। मेरा कमीशन पका है। पक्का यार? तू कुछ सोच, इधर से निकल जावे अब यार। तो फिर भाग भाग भाई, भजो भजो भजो। ए जाफरानी मेरा कमीशन पका है। एक भी डाउन टाउन। अरे बाप रे कहां फंस गया यार। We have seen the killer. He went this way. Follow me. अरे मेरी जिंदगी हंसी कोने से भी ज्यादा खराब हो गई यार। वो तो लेके फंसा हुआ, मैं तो दे दे के फंस रहा हूँ यार। उतने तो मैच फिक्सिंग की थी मैंने, ये क्या फिक्स कर लिया है? इसको निकाल देता हूँ, साला निकल गया। भागो इधर से। आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया सिंह बाबू। इसकी शक्ल बिल्कुल उस लड़के सी है जो फिल्म में काम करता है। क्या नाम है उसका? बड़ा अच्छा सा नाम है। अक्षय कुमार होगा बहन जी, सब लोग यही कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो छोटा सा है। वो नहीं, वो दूसरा दूसरा दूसरा। अरे घनश्याम, क्या नाम था उस लड़के का जो उसकी फिल्म उस दिन आ रही थी? हाँ दाइमा, आमिर खान। अरे बहन जी आप क्या, सभी लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि हमारा कुमार ही आमिर खान है। हर जगह लोग ऑटोग्राफ के लिए पीछे पड़ जाते हैं, क्या करें? वो तो लंबा सा है, वो नहीं एक दूसरा है, दूसरा। वो क्या नाम है उसका? जबान पर रखा है नाम। सुनील शेट्टी। जैकी साहब। नाम जैसे ही है, नाम जैसे ही है, लेकिन ये नाम नहीं है। हाँ याद आ गया। कौन, कौन? बहन जी जगदीप। आपका बेटा बिल्कुल जगदीप है। नमस्ते। नमस्ते। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं तो इनके बेटे को ही निहारती रही, खाती तो करना ही भूल गई। मैं रज्जो को भेजती हूँ, बैठो। बैठी ना। आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है, कहाँ देखा है आपको पहले? मैं जा रहा हूँ। लीजिए ना। अरे रज्जो, ये मिस्टर मिसेस दिग्विजय सिंह जी हैं और ये इनके बेटे हैं कुमार। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। ये चाहते हैं कि तुम्हारे और कुमार की कम से कम सगाई की रस्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सगाई? मैंने तो शादी के लिए हाँ तक नहीं की और आप लोग सगाई की रस्म तक पहुँच गए। अगर शादी के लिए हाँ नहीं की तो कोई बात नहीं बेटी, अब कर लो ना, आखिर विजय सिंह जी तो हमें जबान दे ही चुके हैं ना। देखिए आपके और मेरे भैया के बीच क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। भाभी, इन लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी मर्जी जाहिर कर रही हूँ। हमारे बेटे में कोई खोट है क्या? जी नहीं। तो फिर इनका क्यों कर रही हो रज्जू?
मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ आओ बेटी, आओ आओ ना। बेटी, तुम्हें अपने स्वर्गीय भाई की आखिरी इच्छा का तो ख्याल करना चाहिए ना। हाँ बेटी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी फैमिली में जबान के लिए जान की कुर्बानी देने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है। मगर इसमें से मर्दों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं? हर घर में कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, किसी न किसी रूप में औरत से ही उसके अरमानों की कुर्बानी मांगी जाती है। मगर रज्जो ऐसी कोई कुर्बानी नहीं देगी। रज्जो की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी है और जिससे वो प्यार करती है उसी से शादी करने का इसे पूरा हक है। अगर मालूम होता कि आपके इतने ऊंचे विचार हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद करने यहाँ नहीं आते। चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो। नमस्ते। भाभी, थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। वो सब तो ठीक है लाडो रानी। अरे अरे, मगर ये तो बताओ खुश नसीब है कौन? हाँ आप सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। हाँ ये तो है, जिसका नाम बताने में तुम इतनी पागल हो रही हो उसका नाम सुन के तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, इसका खतरा है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए खतरा मोल लेती हूँ। चल जल्दी से उसका नाम बता दे। कैसे बताऊं? कैसे, वैसे ही जैसे हर लड़की अपने प्रेमी का नाम लेती है, सिर झुका के, थोड़ा शर्मा के। ये आजकल कोई और फैशन है? नहीं नहीं भाभी, उसका नाम ओम है। क्या ओम? कौन ओम? यू तो दुनिया में बहुत सारे ओम होंगे, लेकिन जिस ओम का नाम सुनकर तुम्हारी रज्जो का दिल धड़कता है वो एक ही है, ओम श्रीवास्तव। तुम ओम से शादी नहीं कर सकती। अभी तो तुम मेरी तरफदारी कर रही थी। तुम्ही ने तो कहा था मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करने का मुझे पूरा हक है। कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर क्या ओम में कोई खराबी है? क्या उसने कोई जुर्म किया है? क्या क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया? नहीं रज्जो, मैं नहीं बता सकती। मुझे मजबूर मत करो प्लीज, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मगर तुम्हारा इस तरह मुझसे मुंह छुपाना सबूत है कि तुम्हारे दिल में खोट है। रज्जो, तुम्हारी चीख इस बात का सबूत है कि तुम्हें कहीं चोट पहुंची है। बस कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी ओम को चाहने लगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओम से शादी करना चाहती हो? रज्जो, रज्जो, मगर तुम्हारा इस तरह मुझसे मुंह छुपाना सबूत है कि तुम्हारे दिल में खोट है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी ओम को चाहने लगी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ओम से शादी करना चाहती हो? क्या कर रही है बहू? पागल हो गई है क्या तू? नहीं करना पड़ेगा दाइमा, आज नहीं तो हम और रज्जो की शादी के बाद। तू क्यों अपनी जान लेगी? ओम इतना अच्छा लड़का है, कितना शांत स्वभाव का है। ओम में कोई बुराई नहीं दाइमा, लेकिन ये शादी हो गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जिसे रज्जो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी दाइमा। ऐसा तूफान, ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धारे फल पावे दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम दिन और न दूजा। तुम दिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। अरे बेटा आरती समाप्त हो गई। अगर तेरा यही फैसला है तो तेरे इस फैसले को मैं यही खत्म करता हूँ। जिंदगी के फैसले इस तरह थोड़े किए जाते हैं। अगर वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है तो करने दीजिए उससे शादी। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि शादी होने से पहले हमें सब कुछ बता दिया, वरना एक नहीं तीन तीन जिंदगी बर्बाद हो जाती। किस किस्म के आदमी हैं आप? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहो। सॉरी। दाइमा, अगर ये सब बातें रज्जो को शादी के बाद मालूम हुई तो उसे ऐसा ना लगे कि मैंने और ओम ने उसके साथ विश्वासघात किया है। हो सकता है मेरी वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ जाए, उनका घर बर्बाद हो जाए। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो प्यार किसी से करती है और शादी किसी और से करनी पड़ती है। राजी तो पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की है, उसे सब कुछ साफ साफ बता दे। हो सकता है कि राजी का दिल इतना बड़ा है कि यही अतीत नहीं साथ खून माफ कर दे। चल उसे चलकर सब कुछ बता दे। चल। रज्जो, राजी, राजी, आज पहली बार मुझे भैया की कमी महसूस हुई। इस घर में मेरे प्यार के लिए जगह नहीं तो मेरे लिए भी जगह नहीं। रज्जो, तैमा कहाँ गई होगी? तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो उसे कह दिया कि भाभी तुम जिस तरह से कह रही हो उससे तो लगता है कि तुम खुद ओम को चाहने लगी हो। फिर सुमन ने क्या कहा? फिर भाभी ने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। फिर उसने हाथ रोका और रोते रोते अंदर चली गई। अगर सब नाटक था तुम्हें मुझसे छीनने के लिए, मुझे पता है।
तुम सोचती हो कि सुमन आंसू बहाने का नाटक कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। ओम हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक औरत एक मर्द के लिए इतना गिर सकती है। ये वो तमाचा जो सुमन तुम्हें मारना चाहती थी मगर मार ना सकी। सुमन को मुझे तुमसे छीनने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा से सुमन का ही था और रहूंगा, समझी तुम? और वो सब जो तुमने मेरे साथ, वो सब नाटक था। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नाटक था और सुमन के आंसू उतने ही सही थे जितना कि उसके लिए मेरा प्यार। मैं सुमन को ले जाने के मकसद से तो आया था और मैं दुनिया की हर उस लकीर को मिटा दूंगा जो मेरे और सुमन के बीच आएगी। यानी मेरे भाई का खून तुम ही ने किया था? हाँ, क्योंकि उसने मेरे सुमन को मुझसे छीन लिया। फिर वो सिंघानिया? अरे पगली, मैं ही तो हूँ सिंघानिया। तुम्हारी आंखों ने मुझे पहचान लिया था लेकिन तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखे बस आज क्या लिया? तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुमने मेरे भाई को मार डाला। बस करो भगवान के लिए, इतना ही नहीं, सानिया का कत्ल भी मैंने ही किया था, तुम्हारे चाचा को भी मैंने ही मारा, उन दोनों को मेरी हकीकत का पता लग गया था और अब तुम्हें भी, इसलिए यू क्रेजी, तुम पागल हो, जय कर जान चले जाएगी मालूम, सास रुक रही है। कर कर राजाय राजे, तुम नहीं बच सकते, राजे रुक जाओ। Raja!
मुझे बचाओ, बचाओ। राजी, राजी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुमन को लेकर जाना यहाँ मेरे रुकने का मकसद था, जो कि तुम्हारे जीते जी नामुमकिन है, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। Don't kill me, मुझे जीने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भगवान जानता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कुछ जान चुकी हो कि हम दोनों में से कोई एक ही दुनिया में जी सकता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे बचाओ। देखो, अब अगर तुमने भगवान का नाम ही लिया है तो ये फैसला भी हम उस पर छोड़ देते हैं कि हम दोनों से उसके पास कौन जाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। मैं जीत गया। You're out. You have to go. I'm sorry. God is with me. Bye, Raji. Bye. Bye. Raji. ये हो क्या रहा है इस शहर में? राजेश्वरी का कुछ पता नहीं चल रहा, कई दिनों से ला पता है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। What's happening? लिसन, वो मिस्टर ओम आ रहे हैं, उनसे कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। परेशान कर दिया इसने। उसको पकड़ नहीं पा रही। और अब राजेश्वरी, I want an explanation right now. Where is Mr. Rana? I'm dispatched the same. हेलो ऑफिसर, राजेश्वरी जी का कुछ पता लगा? We are sorry sir, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद मिस राजेश्वरी रावल का कुछ पता नहीं चला, और हमारे पास ये मानने के सिवा कोई चारा नहीं कि मिस राजेश्वरी रावल इज डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। I'm sorry. सुमन, ये गलत बोल रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो पुलिस कभी कभी। सुमन, सुमन क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? सुमन क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? क्या हुआ सुमन? क्या हुआ सुमन? इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। देखिए, आप चाहें तो कल इन्हें घर ले जा सकते हैं। राजेश्वरी की मौत का इनको गहरा सदमा लगा है, इसलिए घर के उसी माहौल में ले जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। आई सजेस्ट यू टेक हर फार अवे फ्रॉम हियर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। बेटा, तू बहू को हिंदुस्तान ले जा, जगह बदलेगी तो उसका मन भी बदलेगा और बीतते वक्त के साथ घाव भी भर जाएगा। लेकिन मैं सुमन को अकेले कैसे ले जाऊं? क्यों, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं? एक दूसरे को पहले से चाहते थे ना? हाँ बेटा, सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। होनी ने इसे तुमसे छीन लिया था, लेकिन अब उसका यही फैसला है, यही मर्जी कि जिसका हक है उसे मिल जाना चाहिए। आप कहती हैं तो इनकार कैसे कर सकता हूं, लेकिन सुमन मान जाए इसको शक है। नहीं नहीं, वो बात तुम मुझ पर छोड़ दो। एक लो, वाह, ले, हाथों मुझे बता यार। बड़े लोग बोलते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है। आज समझ गया, जो कुछ होता है बुरे के लिए होता है। बस ये सब उठा के फेंकता हूँ दरिया में ताकि लफड़ाई मिट जावे। पर ये झूले लाल एक कृपा कर, बस उसमें से कोई डेड बॉडी न निकले, कोई डेड बॉडी न निकले। हलवा बजाया।
हे भगवान मेरी जिंदगी कैसा बदल गई है देखो। अरे बाबा देख थे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कैसा बदल गया इंसान देखो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दरिया तो दरिया है पीछे कौन चढ़िया है, अरे बाप रे मर गया, पुलिस पीछे किधर से आ रही है मेरे पीछे बाबा। बाबा बच गया साईं बच गया, अरे बाबा बच गया जे झूले लाल किनारे पे पहुंच गया। अरे क्या बाबा मेरे पीछे कैसा मुसीबती आ रही है, अब ये सूट केस का क्या करें, इसको किधर भी मुसीबत को डाल दे रहे, एक बार जान छूट जावे भाई, भगवान इसको किधर डाले बाबा, भगवान करे कोई यार इधर कोई खड्डे में गाड़ दूं तो। कितना बड़ा खड्डा है इसमें डाल देवे क्या, डाल दो इसमें, तो बहुत लंबा है यार, रस्सी भी लंबा है। बचाओ कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन है, बाहर निकालो मुझे। हे भगवान ये सब मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, अभी अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं है, अरे मुझे बचाओ। अरे कौन बचाओ, किसको बचाओ, मुझे बाहर निकालो, हमने डाला है क्या, मुझे बचाओ, जिसने डाला है उसको बोलो ना बचाओ, प्लीज प्लीज क्या प्लीज, इंग्लिश बोलती है मालूम नहीं कौन सा भूत है, भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो, भगवान के वास्ते तुमको बचाएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा, हे भगवान। तुमको सब वहां देखकर कितने खुश हो जाएंगे मालूम, माँ बाबूजी कौशल्या सुमित्रा छुटकी, कौशल्या की बेटी 3 साल की हो गई है, बाबूजी को तोतली जबान में भजन गा के सुनाती है और बाबूजी को तो भक्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज छुटकी बड़ी हो गई है, तुम्हारी ऐसी नकल उतार के बताती है कि हंस हंस के हम लोग की तो हालत खराब है। लो मैं अपने बारे में ही बके जा रहा हूं, तुम भी तो कुछ कहो। शादी के बाद परदेश आ गई, सोचती थी कैसे दिन गुजारूंगी यहां, लेकिन राजी ननन से ज्यादा सहेली साबित हुई, उसके सामने तो विजेंद्र जी की भी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, लेकिन भगवान ने, मैं हूं ना अब तुम्हारी। जो अपना हर जुर्म कबूल कर चुका है, अब तुम दोनों बच नहीं सकते,
क्योंकि मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। पागल बना है, चोट तो नहीं लगी तुम्हें कहीं? आगे मत बढ़ो, खून निकल रहा है तुम्हारे माथे से। ओम, आगे मत आओ। तुमन, प्लीज गो बैक। तुमन, ओम प्लीज। तुमन मेरी बात तो सुन। आई किल यू। ओके, ओके किल मी बाबा। सुमन एक बार मेरी बात सुन ले, देन यू किल मी ना। प्लीज जाओ, जाओ, जाओ। तुमन, सुमन तो एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद। तुमन। ओम जाओ। सुमन, क्यों 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 किया ऐसा तुमने? तूने गोली चलाई मुझ पर, हाँ? तू भूल गई? कितना प्यार किया था तूने मुझसे? तू कैसे भूल गई कितना प्यार किया था तूने मुझसे? सुमन, तू कैसे भूल गई? सुमन, प्लीज जाना मुझे। कितना प्यार किया था हम लोगों ने? तू कैसे भूल गई? तू भूल कैसे गई सुमन? कैसे भूल सकती है तू? कैसे भूल सकती है तू हमारा प्यार? हाँ कौन साला बोलता है कि औरतें कमजोर होती हैं? तुम जाना चाहती थी ना कि मैंने तीन तीन खून क्यों किए? इस राज्य को क्यों मारना चाह? तो सुनो सुनो, तुम्हारा विजेंद्र सिंह रावल कितना घटिया और नीच आदमी था, सुनोगी? तो तुम दोनों का दिल तो क्या चट्टानों का सीना भी फट जाएगा। तुम्हारे बाबूजी ने जब तुम्हारी शादी मेरे साथ तय कर दी तो एक दिन विजेंद्र सिंह रावल मुझसे मिलने के लिए विजेंद्र रावल कहते हैं मुझे। तो मुझसे क्या चाहिए? सुमन, प्यार करता हूं मैं उससे। सुमन जैसे माल से कौन प्यार करना नहीं चाहेगा, खास तौर से तब जब उसका बाप इतना माला माल हो। देखो मेरे बाबूजी है ना, इस गांव के बड़े माने हुए व्यक्ति हैं। वो हमेशा मेरा हाथ देकर कहते हैं इन हाथों में बड़ी जान है। अगर दोबारा सुमन का नाम अपनी जबान पर लाया ना तो एक जान तो यहीं चली जाएगी। है जुबान पर, उसे तो मैं अपने पिस्तर पे लाऊंगा। Oh!
वो नपुंसक मेरा प्यार खरीद ना सका तो उसने मेरे परिवार के पेट पे वार किया। महंत जगदम्बा प्रसाद, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं, यह रहा आपका वारंट। परंतु इंस्पेक्टर साहब, मेरा अपराध क्या है? आप और आपके बेटे उन पर यह इल्जाम है कि आपने ठाकुर जी की मूर्ति पर चढ़े असली मुकुट और गहने बेचकर उसकी जगह पर नकली जेवर चढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे देवता स्वरूप पिता पर इल्जाम लगाना खुद भगवान पर इल्जाम लगाने के बराबर है। मेरी बहू जी के नाम पर सूचन करते हो आप इल्जाम लगा रहे हो। अगर ये नकली है तो असली कहाँ है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। क्यों महान जी, आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। किसी दूसरे गांव के लगते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन तो आप आए थे अपने लड़के के साथ और 20 लाख रुपए में ये गहने मुझे दे गए। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हजारों टुकड़े कर दीजिए, मुझे फांसी पर चला दीजिए, मेरी आंखें फोड़ दीजिए, मुझ पर यह आरोप मत लगाइए कि मैंने अपने प्राण से प्यारे ठाकुर जी के गहने चुराए हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहा है तो गहनों को पैर लग गए थे जो खुद चलकर साहूकार के पास आ गए। मुझे नहीं मालूम। और ये साला मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। हथकड़ी मान जी, हम आपको गहने चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, यह हमारे गांव का मामला है और हम सब गांव वाले इसे आपस में निपट लेंगे। चुप आइयो। पुलिस वाले आए हैं, बाबूजी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बाबूजी को गिरफ्तार कर रहे मंदिर में बैठकर मेरे बाबूजी गांव के छोटे छोटे बच्चों को हिंसा के पाठ पढ़ाते थे ना, उसी मंदिर के सामने गांव वालों ने हिंसा की सीमा को पार कर दी। जिन बहनों से गांव वाले अपने कलाई के ऊपर राखी बंधवाते थे, उन्हीं हाथों से उन्होंने मेरी बहनों की इज्जत पे हाथ डाला। कौशल्या, सुमित्रा, हारने की कोशिश मत करो। रुक जा, गिर जाएगी। ए सुमित्रा, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक जा मेरे बच्चे। रुक जाओ, रुक जाओ। ए
सब खत्म हो गया लेकिन मैं हूं ना, चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें खूनी और दरिंदे हो। अरे विजेंद्र सिंह रावल एक राक्षस था, राक्षस का संहार किया है मैंने। किसी युग में जन्म लेता ना तो देवता कहते जयकार होती, पूजा करते लोग मेरी, और तू कोस रही है मुझको। विजेंद्र सिंह रावल मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी था। मेरा पति था वो, उसने अगर मेरी मांग में सिंदूर से लिख दिया कि मैं एक दरिंदे की पत्नी हूं तो वो उसका हक था। लेकिन तुमसे तो मैंने प्यार किया था, तुमने कैसे मेरे दिल में तीन तीन लोगों के खून से लिख दिया कि मैं एक वैश्य की प्रेमिका हूं। कैसे हूं ये जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा ओम नहीं है, नहीं तुमने मेरे ओम को मार दिया। बोल दे कि झूठ है सुमन, बोल दे कि झूठ है। देख देख इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, और हम दोनों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू तू ऐसा मत बोल, कह दे कि झूठ है। ए राजी, ए राजी तू समझा ना इसको, ए तू समझा इसको। भाभी भाभी, जिस जिंदगी को मेरे भाई ने खत्म किया उसे दोबारा बसाने का आज तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है, इसे मत छोड़ो। मैं कह रही हूँ, राजी कह रही है। सुमन, मैंने वादा किया है दरख्तों से, हवाओं से, बादलों से, खेतों की हरियालियों से, झूमती बहारों से, फूलों से, पत्तों से, पहाड़ों से, जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे से वादा किया कि मैं अपनी सुमन को लेकर आऊंगा, और तू आने से इनकार कर रही है। तुम पागल हो गई है क्या? भगवान के लिए मान जाओ, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। सुमन देख, न जाने कैसी प्रतिशोध की आग है मेरे हाथों में, तीन खून में कर चुका हूँ, कहीं चौथा खून ना हो जाए मेरे हाथों से। I hate you. सुमन, सुमन, मैं बार-बार यही करती रहूँगी। I hate you. सुमन, I hate you. सुमन, 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 Bobby. I hate you.